Hello, my dear students. Welcome to chapter 9, Soil of Your Science. Take out page number 93, beta. Beta, chapter 9 jo hai, this is your next chapter after chapter 7 in P3. ठीक है? तो आज हम soil के बारे में पढ़ेंगे. Now, let's start reading. The topmost layer of Earth's crust is soil. यानी कि हमारी जो Earth है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो क्या है? इट इज सॉइल. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. सॉइल होल्ड्स द प्लांट्स फॉर्मली एंड हेल्प देम इन देयर ग्रोथ. यानी कि सॉइल सबसे पहली बात तो हर तरफ की लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज क्या है, सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सॉइल ही वो जगह है जो कि प्लांट्स को स्पेस देती है अपने आप को अफिक्स करने का, कहीं पे अपने आप को ग्रो करने का. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट्स इन टर्न प्रोड्यूस फूड एंड मेंटेन ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर. अब अगर सॉइल ही नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं उगेंगे, और अगर प्लांट्स ही नहीं उगेंगे तो क्या होगा कि नेचर में ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं होगा. इसीलिए सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब ये सॉइल बनती कैसे है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, वेदरिंग. इसको प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिए विद अ पेंसिल इन योर बुक. वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदर, देखो एक वेदर होता है जिसको हम मौसम कहते हैं, है ना. हमारे आसपास डिफरेंट वेदर, डिफरेंट समर, विंटर, रेनी, ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. एक तो वो वेदर हो गया. ये वाला जो वेदर है इसका मतलब क्या है कि जब बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रॉक्स प्रेजेंट हैं, उन रॉक्स के ऊपर, वो रॉक्स जो होते हैं बेटा, वो सारा टाइम एक्सपोज्ड रहते हैं. किसके? कि उनके ऊपर लगातार सनलाइट भी पड़ रही है, बारिश हो रही है तो बारिश भी लगातार पड़ रही है, खूब तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, वो सब चीज़ें भी उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो इन सब इफेक्ट की वजह से ये जो बड़े बड़े रॉक्स हैं ये धीरे धीरे खुरना शुरू हो जाते हैं, घुलना, टूटना शुरू हो जाते हैं. इन रॉक्स की जो ये ब्रेकिंग है ये माइन्यूट पार्टिकल्स बना देती है, और वो माइन्यूट पार्टिकल्स ही क्या होते हैं? सॉइल होते हैं. तो जरा एक बार रीड कर लेते हैं, आपकी बुक क्या कह रही है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. द मैकेनिकल एजेंट्स लाइक हीट, वाटर, विंड एक्सेट्रा ब्रेक्स रॉक्स इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. यही मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एजेंट्स यानी कि जैसे कि हीट पड़ रही है, सनलाइट की सन हीट पड़ रही है, वाटर यानी कि कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, वाटरफॉल से भी पानी देखो कितने प्रेशर से ऊपर से नीचे जाता है, बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान है, इनकी वजह से ये जो बड़े रॉक्स होते हैं ये स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. द फाइन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज सॉइल. इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे बेटा. द फाइन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज सॉइल. और ये ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स से जो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, इनका पाउडर मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. द सॉइल सो ऑब्टेन्ड इज नॉट सो फर्टाइल एंड डज नॉट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. ठीक है, अब ये वाली जो पाउडर मिला है हमें ब्रेकेज ऑफ रॉक से, ये जो हमें सॉइल मिली है ये इतनी फर्टाइल नहीं होती और ये किसी भी टाइप के प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है. द सॉइल हैज टू बी एनरिच्ड विद. अब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कि उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर हो. अब वो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से आएगा, या फिर वेस्ट ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. और दूसरी चीज क्या है? मिनरल रिच होना चाहिए. सो बेसिकली क्या है, द सॉइल हैज टू बी एनरिच्ड विद ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्लूड्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेस्ट ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड सेकेंड चीज क्या है? मिनरल्स. अब यहाँ पे एक वर्ड है, वेस्ट ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड मिनरल्स, एनिमल्स. लिविंग प्लांट्स का वेस्ट क्या हुआ? जैसे कि आप सब्जियां खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, इनकी जो पील्स होते हैं, इनके जो छिलके हैं, वो वेस्ट है. ठीक है, तो जब ये चीज़ें सॉइल में मिल जाती हैं तो दे फॉर्म
दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, इसी सिमिलर फॉर्म में एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट ऑल्सो वेन मिक्सड इन द सॉइल लाइक काउ डंग, जो काउज का काउ का वेस्ट मटीरियल होता है उससे भी खाद बनती है ना. ठीक है, तो इन सब चीजों से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. दस वी कैन से अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स इज नोन एज सॉइल. इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे बच्चा. सॉइल की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, देखो, अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स इज नोन एज सॉइल. यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि क्या क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से जो हमें पाउडर मिला है वो है, ऑर्गेनिक मैटर है और मिनरल्स हैं, इन सबको मिला के हमें सॉइल मिल जाती है. किस टाइप की सॉइल, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट भी करती है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा लेयर्स ऑफ सॉइल, कि ये जो सॉइल है ये कौन कौन से लेयर से बनी हुई है. इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में. ठीक है, सो आप अगर इस डायग्राम को सबसे पहले देख लो बेटा, तो देखो सॉइल इज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू थ्री लेयर्स, 1, 2 एंड 3. सबसे ऊपर वाली लेयर टॉप सॉइल कहते हैं इसे. टॉप मीन्स सबसे ऊपर, सॉइल मीन्स यू नो व्हाट इज सॉइल. सो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी टॉप सॉइल. ये जो टॉप सॉइल है, एक तो इसकी क्वालिटीज क्या है, ये देखो पहले दिखा भी रखा है कि इट इज डार्क ब्राउन इन कलर. ठीक है, उसके अलावा ये वाली जो सॉइल है, इट इज़ वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स. और इसी सॉइल में क्या होती है, प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं, रूट्स होती हैं, वो एम्बेडेड होती हैं, इसी में प्लांट की ग्रोथ सपोर्ट होती है. सो हम एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं टॉप सॉइल के बारे में, आपकी बुक क्या कह रही है. देयर आर थ्री मेन लेयर्स ऑफ सॉइल. नंबर वन टॉप सॉइल. द टॉप सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इट इज डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. यही मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट है सब सॉइल. अब टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाली लेयर को क्या कहेंगे, सब सॉइल. देखते हैं सब सॉइल में क्या क्या चीजें हैं. द लेयर बिलो द टॉप लेयर इज लाइट इन कलर एंड फुल ऑफ ब्रोकन रॉक पीसेस, दिस इज नोन एज सब सॉइल. यानी कि टॉप सॉइल की जो नीचे वाली लेयर है, एक तो ये लाइट ब्राउन कलर की होती है एज कंपेरिजन टू टॉप सॉइल. अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये थोड़े हल्के ब्राउन कलर की होती है. और इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे ब्रोकन रॉक पीसेस होते हैं. नेक्स्ट है बेड रॉक. यानी कि बेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप रेस्ट करते हो उसको बेड कहते हैं ना. ठीक है, यानी कि एक ऐसा रॉक जिसके ऊपर टॉप सॉइल और सब सॉइल रेस्ट कर रही हैं, टिकी हुई हैं, उसको क्या कहेंगे, बेड रॉक. देखते हैं बेड रॉक पे क्या क्या है. द बॉटम लेयर इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक. ठीक है, तो जो लेयर सब सॉइल और टॉप सॉइल को सपोर्ट कर रही है उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको कहेंगे हम बेड रॉक. नेक्स्ट आ गया ह्यूमस. एक यहाँ पे ग्रीन उसमें बॉक्स में एक वर्ड दिया हुआ है, इसका नाम है ह्यूमस, HUMUS. अब ये ह्यूमस क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या बनाता है, ह्यूमस बनाता है. यानी कि जब कोई भी एनिमल डेड हो जाता है, मर जाता है, और वो धीरे धीरे डिके होने लग जाता है, ऐसे ही कई सारे प्लांट्स होते हैं या पत्तियां पेड़ों से गिर गिर के सॉइल में गलने सड़ने लग जाती हैं. ये दोनों मिक्सचर्स जो हैं वो मिलके जो सॉइल के साथ मिक्स होके कॉम्बिनेशन बनाती हैं उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, HUMUS. ये ह्यूमस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. यानी कि सॉइल में ये वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड करने में हेल्प करता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है. सो नाउ लेट्स टर्न टू पेज नंबर 94 ऑफ योर बुक. अब हम ये पढ़ चुके हैं बेटा कि हमारी सॉइल क्या होती है, सॉइल बनती कैसे है, सॉइल की लेयर्स क्या क्या होती हैं, और ऐसी क्या चीज़ें होती हैं सॉइल में
जो उसकी फर्टिलिटी को और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सॉइल। अब ये जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं इसी में सॉइल के फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं एक टाइप से, जैसे कि क्या सॉइल, सबसे पहले सॉइल की ज़रूरत क्यों है, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, क्यों, एक तो ये प्लांट्स को उगने की जगह देती है और दूसरी बात प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट क्या है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका घर बन रहा होता है, कहीं कोई मकान कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो क्या होता है, आप उसमें नेचुरली सॉइल का इस्तेमाल करते हो ना, ठीक है, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में भी वॉट इज सॉइल इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग टॉयज पॉट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड दियाज। अभी अभी दिवाली गई है ना, तो सबने दिवाली में क्या दिए जलाए थे, वो दिया जो है इट इज मेड अप ऑफ वॉट, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सॉइल, ठीक है। सो ऐसे ही दिए की तरह आपके घरों में मटके होते हैं पानी वाले घड़े जिसे आप कहते हो, ठीक है, वो भी किस चीज से बने हैं, सॉइल की हेल्प से, यानी कि ऑल द पॉट्स। ऐसे ही बहुत सारे मिट्टी के खिलौने भी आते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी होते हैं जो कि सॉइल से, पॉटरी आइटम्स जितने भी होते हैं वो सॉइल से बने होते हैं। अब ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ सॉइल। नेक्स्ट लेट्स सी, सॉइल इज होम फॉर मेनी एनिमल्स। इन सारे फंक्शंस के अलावा भी सॉइल के और भी कुछ फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस क्या हैं कि जो ये सॉइल है ना बेटा, ये बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स का घर है। सबसे पहले बहुत कॉमन एग्जाम्पल तो देखो, आपकी बुक में पिक्चर्स दी हुई हैं, जो रैबिट है, रैबिट लिव्स इन अ बरो, तो वो बरो जो होती है वो रैबिट कहाँ कहाँ बनाती है, मिट्टी के अंदर बनाता है ना, तो यानी कि मिट्टी क्या प्रोवाइड कर रही है, इसको जगह बना रही है, बता रही है ताकि वो अपना घर बना सके। इन द सेम वे जो स्नेक्स होते हैं, दे ऑल्सो लिव इन होल्स। अब वो होल्स कहाँ बने होते हैं, वो दीवारों में थोड़ी ना बने होते हैं, दे आर एक्चुअली मेड अप इन सॉइल्स अंडरग्राउंड, ठीक है। सो यू कैन से दैट सॉइल इज ऑल्सो होम टू स्नेक। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम योर बुक वंस, कि आपकी बुक में क्या लिखा है। मैनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया लिव इन सॉइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारी ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हो, बट अगर आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखो तो वो एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स का मतलब लाइफ फॉर्म्स, यानी कि कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स जो इतनी माइन्यूट हैं, इतनी छोटी हैं कि जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, बट दे एग्जिस्ट एंड यू कैन सी देम अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्या है, इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, ग्रास हॉपर्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, स्कॉर्पियंस, अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा। ये सारे ही वर्ड्स बेटा इंपॉर्टेंट हैं, उनके प्रोनंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बार इन्हें रिपीट भी करेंगे। एंट्स, ग्रास हॉपर्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, स्कॉर्पियंस, अर्थवॉर्म्स, ये सारे ही क्या हैं, ये नाम है डिफरेंट इंसेक्ट्स के। और ये सारे ही इंसेक्ट्स कहाँ मिलते हैं, हमें सॉइल में मिलते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, नेक्स्ट साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, इंसेक्ट्स हो गए। अब कुछ और बड़े ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, लाइक बिगर एनिमल्स, जैसे कि रैट्स, मोल्स एंड रैबिट्स ऑल्सो मेक देयर होम्स इन द सॉइल। दे डिग बरोज और होल्स इन द सॉइल टू लिव इन। ये क्या करते हैं, सॉइल को खोद खोद के बरो बनाते हैं या होल्स बनाते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं। दे ब्रेक अप द हार्ड पार्ट्स ऑफ द सॉइल एंड हेल्प इन मेकिंग सॉइल सॉफ्ट फॉर इजी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये ना सिर्फ अपना घर बनाते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, जब ये खुदाई कर रहे होते हैं तो ये उन हार्ड पार्ट्स ऑफ सॉइल को क्या करते हैं, पतला पतला पाउडर में क्रिएट कर देते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसी सॉइल में प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। अब हमने फंक्शंस पढ़ लिए, हमने ये भी पढ़ लिया कि सॉइल जो है इट इज़ द होम फॉर सो मैनी एनिमल्स ऑल्सो। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल कितनी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। बेटा मेजरली सॉइल जो है दे आर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स, और उन फोर डिफरेंट टाइप्स का नाम क्या है आप अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर वन सैंड, नंबर टू लोम, नंबर थ्री
ग्रेवल एंड नंबर फोर क्ले. ठीक है, सैंड, लोम, ग्रेवल एंड क्ले. अब हम पढ़ लेते हैं कि ये वाली जो सॉइल्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है. सारी ही सॉइल है बट इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं. लेट्स सी कि सैंड में क्या होता है. सैंड कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. सैंड का मतलब रेत. जो रेत होती है आप अगर उसको हाथ में उठा के देखें तो वो क्या है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स होते हैं. वो इजीली आपके हैंड से स्लिप भी हो जाती है. नेक्स्ट है बेटा लोम. मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. बेसिकली जो हमारे खेतों में, हमारे जो फील्ड्स में सैंड, जो मिट्टी होती है वो किस टाइप की मिट्टी होती है, लोम होती है. उसमें क्वांटिटी ऑफ सैंड भी होती है, थोड़ी सी क्ले भी होती है और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी मिक्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसी मिट्टी को जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो क्या कहेंगे, लोम, LOAM, लोम. नेक्स्ट इज ग्रेवल. ग्रेवल का बेसिकली मतलब है जो बजरी होती है बारीक वाली, उसको ग्रेवल कहते हैं. कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन. अगर आप ये फिगर देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, स्पेशली जब आप कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है कहीं पे तो ये ग्रेवल आपको इजिली मिल जाती है. नेक्स्ट है क्ले. ये तो हम सबको पता है, कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, इट इज स्मूथ टू टच एंड रिटेन्स मैक्सिमम वाटर. यानी कि जो चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, जिससे बर्तन बनते हैं मिट्टी के, पॉट्स बनते हैं, वो क्या होती है, क्ले. एक तो ये छूने में बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है. क्यों? क्योंकि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स, बड़े फाइन पार्टिकल्स से बनी होती है. और इसमें क्या होता है, ये चिकनी मिट्टी वाले बर्तन बनाने में क्यों यूज़ होती है, क्योंकि इसमें एक क्वालिटी है कि ये बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, होल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से उसको एक कंसिस्टेंसी मिल जाती है और हम उसको कोई भी शेप दे पाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ ग्रीन बॉक्स. लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स बिकॉज इट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड मिनरल्स इन इट. यही मैंने आपको बताया कि जो हमारे फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनमें जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, लोम सॉइल होती है, लोमी सॉइल. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सॉइल जो होती है इट इज़ बेस्ट बिकॉज इसमें सही मात्रा में, सही अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एयर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए ये वाली सॉइल को हम यूज़ करते हैं टू ग्रो प्लांट्स. स्टूडेंट्स, अब हमने ये पढ़ लिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं सॉइल के, कितने टाइप्स की सॉइल होते हैं. लेट्स नाउ क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट वन ऑन पेज नंबर 95. तो आप अपनी पेंसिल रेडी कर लीजिए बेटा और सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें क्या लिखा हुआ है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू रिवील डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. यानी कि यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको आपने ऐसे रीअरेंज करना है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाए. जैसे कि ये वाला सेट ऑफ अल्फ़ाबेट दिया हुआ है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर हम देखें तो सैंड वाली सारी स्पेलिंग बन रही है. सो दिस विल गेट सैंडी, SANDY, सैंडी सॉइल. नेक्स्ट इज दिस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सो इट विल कन्वर्ट इन टू क्ले, CLAY, क्ले. नेक्स्ट इज AOML, दिस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड इट विल गेट कन्वर्ट इन टू लोम, LOAM. ठीक है बेटा, तो ये आप अपनी बुक में सॉल्व कर लेंगे. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू. टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पे कुछ लेयर्स ऑफ सॉइल दी हुई हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. द लेयर ऑफ सॉइल विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. क्या कह रहा है, एक ऐसी लेयर ऑफ सॉइल जो कि क्या है, डार्क इन कलर है, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत सारा है और वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट है. तो देखो जरा इस वाले फिगर में टर्न करके पेज, ये वाली लेयर है टॉप मोस्ट लेयर, इट इज डार्क इन कलर और इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है एंड इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर प्लांट्स. तो हम क्या टिक कर देंगे, देखते हैं ऑप्शंस में टॉप सॉइल दिया हुआ है. यस, नंबर वन ऑप्शन टॉप सॉइल, तो इसके आगे आप टिक कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री. अब यहाँ पे हमने फिलअप्स करने हैं और ये हमारा हिंट बॉक्स दिया हुआ है.
इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड इनकी हेल्प से वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स. सबसे पहले ए, ह्यूमस इंक्रीजेस डैश डैश ऑफ सॉयल. ह्यूमस हमने अभी पढ़ा था पीछे कि ह्यूमस क्या होता है, इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, और ये क्या करती है, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल. तो आप यहां से देख के यहां पे फर्टिलिटी लिख लेंगे बेटा. बी, डैश सॉयल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. किस टाइप की सॉयल बेस्ट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, लोमी सॉयल, तो यहां पे देखने ऑप्शन है यस, देखो ये ऑप्शन है लोमी, तो आप यहां से लोमी फिल कर देंगे. सी है, डैश सॉयल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन. ऐसी सॉयल जिसमें बहुत छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस दिए हुए हैं, तो कौन सी सॉइल हो गई, ग्रेवल, तो हाँ ग्रेवल फिल कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉटम लेयर इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक कॉल्ड व्हाट. यानी कि एक ऐसी लेयर सॉइल की जिसके ऊपर दोनों लेयर्स रेस्ट कर रही हैं और वो बहुत बड़े रॉक के पीस से बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, बेड रॉक. ठीक है, तो आपके ऑप्शन बॉक्स में बेड रॉक दिया हुआ है क्या, यस, ये देखो बेडरॉक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बेडरॉक फिल कर देंगे. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ लाइंस नहीं ड्रॉ की हैं बेटा, मैंने ये वाले नंबर्स जो हैं ठीक ऑप्शंस के आगे लिख दिए हैं, तो आप डिस्कस कर लेते हैं बेटा. नंबर 1, मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड ह्यूमस. एक ऐसा मिक्सचर जो कि जिसमें सैंड भी हो, क्ले भी हो और ह्यूमस हो, उसको क्या कहेंगे, लोम. तो हम देखें जरा यहाँ लोमी कहीं दिया हुआ है, यस ऑप्शन बी लोमी है, तो आप इसे मैच कर देंगे या फिर इसके आगे वन भी लिख सकते हो आप ऐसे. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स. यानी कि एक ऐसी सॉयल जिसमें कि स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स हैं. देखिए जरा यहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स दिख रहे हैं, तो ये कौन सी सॉइल है, ग्रेवल. तो देखिए यहाँ पे ग्रेवल कहाँ पे है, डी नंबर ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, 2 को डी से मैच कर देंगे. नेक्स्ट इज 3, कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक. एक ऐसी सॉइल जिसमें बहुत स्मॉल बहुत टाइनी पीसेस ऑफ रॉक हैं, तो कौन सी है जिसको मैं कह रही हूँ आप हाथ में फील कर सकते हो, सैंड. देखिए यहाँ सैंड कहाँ पे है, यस ऑप्शन नंबर सी सैंड. ठीक है, तो आप 3 वाले को सी के साथ, ये तो आमने सामने ही हो गया, आप इसे मैच कर लोगे. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स. यानी कि एक ऐसी सॉइल का टाइप जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स हों. देखो ये फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी सॉइल है, क्ले. यहाँ पे क्ले कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन, तो आप 4th वाले को ए से मैच कर दोगे. ठीक है बेटा, नाउ लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉइल. ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं और आपने आइडेंटिफाई करके इनके सॉइल के नेम्स लिखने हैं. ये पिक्चर किसकी है, सैंड, सो यू विल राइट डाउन सैंड. दिस पिक्चर इज लोम, LOAM लोम. नेक्स्ट इज दिस पिक्चर इज ऑफ क्ले, तो आप यहाँ CLAY क्ले लिख देंगे. एंड दिस पिक्चर इज ऑफ ग्रेवल, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, GRAVEL ग्रेवल. सो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो, बिकॉज सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में हर जगह ऑब्जर्व करते हो, और कहीं नहीं करोगे तो आपके घरों में गमले होंगे, है ना, पॉट्स होंगे जिसमें आप प्लांट्स लगाते हो, उसमें भी सॉइल होती है. सो उसके बारे में पढ़ना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने आसपास हर रोज देखते हैं. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और अपनी ये वर्कशीट भी आप कंप्लीट करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडिंग हार्ड.